अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माई चैनल एक्सप्लोर विद नाज और मैं हूँ नाजिया। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड DIY नाइट क्रीम, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और घर में मौजूद हम लोग इन्ग्रीडियंट से ही इस क्रीम को प्रिपेयर करने वाले हैं। ये क्रीम हर एज ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं, टीनएजर यूज़ कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े हर कोई यूज़ कर सकते हैं, हाँ और लड़के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डेड हो चुकी है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी है, अगर आपकी स्किन अनइवन हो गई है, अगर आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, अगर आपकी स्किन के ऊपर सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो ये एक क्रीम उस सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकती है। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से देखते हैं हमने इस क्रीम को प्रिपेयर कैसे करना है। लेकिन उससे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे फायदा उठा सको। अब जल्दी से हम लोग अपनी क्रीम प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। यहाँ पर मेरे पास है बादाम और पिस्ता। पिस्ता मैंने लिया है यहाँ पर 10 to 12 और बादाम मैंने यहाँ पर लिए हैं 15 से 20, जो कि मैंने ओवर नाइट सोक करके रखे थे। आप लोग पानी के कलर को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो। अब यहाँ पर मैं इनको पील ऑफ नहीं करने वाली हूँ, जो इसके अंदर वाटर है इसको स्टेन कर दूंगी। 1 से 2 टेबल स्पून जो है मैं वाटर ये वाला लूंगी, बाकी सारा मैं इसको स्टेन करने वाली हूँ और उसके बाद हम देखते हैं हमने इस क्रीम को प्रिपेयर कैसे करना है। अब यहाँ पर इस मिक्सी में हम लोग ये सब चीज़ें ऐड करेंगे। एलिमेंट ऐड करूँगी मैं यहाँ पर। आप लोग अगर चाहो तो इसको पील ऑफ कर सकते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि इनके जो छिलके होते हैं इसमें बहुत सारी गुडनेस होती है, जो मैं चाहती हूँ मेरे फेस के ऊपर ज़रूर लगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पिस्ता ले रहे हैं, इसमें थोड़ा सा वाटर मैंने जैसे आपको बताया था हम लोग ऐड करेंगे, वो मैंने ऐड किया है। इसी के साथ यहाँ पर मैं मिक्सी में डालने वाली हूँ 3 से 4 चम्मच दही। ये एक बहुत ही पावरफुल क्रीम बन के रेडी हो जाएगी आपकी। इसको अब हम लोगों ने क्या करना है, अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। हाँ, हमारा बहुत ही पावरफुल सा जो है पेस्ट, हमने एलिमेंट और दही और पिस्ता को मिलाकर जो पेस्ट बनाया है, हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। उसको मैंने अच्छे से छान लिया था क्योंकि अगर हम लोग ये दिन में क्रीम अप्लाई करेंगे अपने फेस के ऊपर तो ग्रैन्यूल्स फील ना हो। छान लिया और इसके अंदर जो भी ग्रैन्यूल्स वगैरह थे वो सेपरेट कर दिए। अगर आप लोग इसे नाइट में लगाने वाले हैं तो आप लोग कोशिश करो कि इसको मत सेपरेट करो और ऐसे ही यूज़ कर लो। अब देखते हैं हमने आगे क्या करना है। मैं डबल बॉयलर मेथड जो है करने वाली हूँ। डबल बॉयलर मेथड में हमने करना क्या है, बटर लेना है सबसे पहले। यहाँ पर बटर लोगे 4 से 5 टेबल स्पून। अब इसको मेल्ट होने दोगे, फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। क्रीम आप लोगों की नाइट क्रीम बनके प्रिपेयर हो रही है, जिसको मैंने प्रिपेयर ऐसे किया कि अगर आप लोग इसे डे में यूज करना चाहोगे तो इसे कर सकोगे, क्योंकि ये फील ही नहीं होगा कि फेस के ऊपर आपने इसी क्रीम अप्लाई किया। हाँ, लेकिन अगर आप इसे डे में यूज करोगे, आप लोग इसके ऊपर SPF जरूर अप्लाई करोगे और आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन वगैरह ना हो। बाकी आपके फेस के ऊपर ये क्रीम बहुत ज्यादा ग्लो देगी, बहुत शाइन प्रोवाइड करेगी और किसी भी किस्म का इशू चल रहा है फिलहाल तो वो भी क्योर करेगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा जो है बटर रह चुका है, हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे अपना बादाम और पिस्ते का पेस्ट ताकि हो जाए। हमने यहाँ पर दही भी ऐड की है और हमने यहाँ पर बादाम और पिस्ता भी ऐड किया है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करता है बहुत अच्छे से। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस क्रीम को प्रिपेयर करेंगे। अब इस पॉइंट पर हम लोग भर कर लेंगे एलोवेरा जेल 2 टेबल स्पून, हम लोग ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर जब हम बटर की बात करेंगे, बटर जब ठंडा होगा तो वो बहुत ही अच्छे से इस क्रीम को जो है क्रीमी फॉर्म दे देगा और ये क्रीम बहुत ही मज़े की लगेगी और आप लोगों का इस क्रीम को देख कर खाने का मन भी करेगा। लेकिन आप लोगों ने इसे खाना नहीं है क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ फेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसे फेस के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे अपना लास्ट इन्ग्रीडियंट जो कि है एलमंड ऑयल, पर प्योर एलमंड ऑयल यूज कर रही हूँ जो कि मेरे पास प्योर है, तो आप जरूर वही ऐड करो, वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। अगर नहीं है तो आप लोग जो है वो यूज कर सकते हो। अब इसको विस्कर की हेल्प से हम लोग बहुत अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर अब अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी सैफ्रन, थोड़ा सा लिक्विड ऐड करेंगे ताकि बहुत ही गोल्डिश सा कलर आए और इसके अंदर सैफ्रन ऐड कर देंगे और हमारी बहुत ही पावरफुल और मैजिकल क्रीम बनकर रेडी हुई। इसे हम लोग किसी भी ग्लास जार में स्टोर कर लेंगे। आप लोग इसे किसी भी ग्लास जार में स्टोर कर सकते हो।
बाकी जो बच जाएगी आप लोग उसे ऐसे ही रेफ्रिजरेटर भी करके रख सकते हो। अगर आपके वहाँ पर वेदर जो है बहुत ज्यादा सर्दी है तो आप लोग इसे रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हो। बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर करके रख सकते हो, इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज्यादा हो जाए और ये जल्दी खराब ना हो। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस क्रीम को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगे और बहुत ही ज्यादा इस क्रीम को इंजॉय करोगे। ये क्रीम आपके फेस के ऊपर ग्लो लेकर आएगी और आपके फेस को शाइनी बनाएगी। आप लोग लाइव देख सकते हो कितनी ज्यादा ग्लो लेकर आई है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना हरगिज मत भूलिएगा और इस क्रीम को प्रिपेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ अगर आप लोग ये क्रीम यूज करो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।